करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सालासर में साहित्य अकादमी और मर्दी संस्थान का आयोजन किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सालासर में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजस्थानी महिला लेखक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने कहा कि जब जरूरत इस बात की है कि नारी अपनी इस महत्ता, अपनी शक्ति और अपनी परंपरा को पहचाने। डॉक्टर चारण ने कहा कि नारी किसी की पूरक नहीं, अपने आप में पूर्ण है। पौराणिक कथाओं से अपनी बात को पुष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वो जगत माता है, उसकी भाषा चेतना भी इसलिए स्वतंत्र होनी चाहिए। डॉक्टर चारण ने कहा कि नारी चिंतन में दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सद्भावना है जो पुरुष के लिए संभव नहीं। उन्होंने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सार्थक चिंतन हो और नारी चेतना के नए स्वर निकाले। सावर्थिया सेवा सदन के सभागार में अपने स्वागत भाषण में अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासन ने राजस्थानी महिला साहित्य की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय काव्य मीरा के बिना अधूरा है। उन्होंने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सहित अनेक लेखिकाओं के अवदान को उल्लेख किया है। डॉक्टर राम ने कहा कि लंबे समय के बाद राजस्थानी महिला लेखकों का आयोजन हो रहा है, जो इस बात की उम्मीद जगाता है कि यह साहित्य अपनी खास पैठ बनाएगा। बीच वक्तव्य देते हुए राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य आशावादी ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए एक तरफ जहां अब तक राजस्थानी महिला लेखन का मूल्यांकन होगा, तो वहीं नई रचनाएं प्रखर भी बनेंगी। उन्होंने कहा कि महिला रचनाकार एक दूसरे की रचना प्रक्रिया को जाएगी, समझेगी और इससे उनका लेखन परिष्कृत होगा। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शारदा कृष्ण ने इस आयोजन की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला लेखन आज के युग की आवश्यकता भी है। ऐसे आयोजन महिला लेखन को प्रोत्साहित करने के साथ एक नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी ने भी विचार व्यक्त किए हैं। आभार भवर सिंह सामोर ने व्यक्त किया और उद्घाटन समारोह का संचालन मरुदी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव कमल नयन तोशनीवाल, किशोर सैन, सुमनेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।